हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है और इस नाते से हमको कोई हिसाब देना भी होगा तो जनता को दे रहे हैं। जनता ने उनको जब नकारा था, क्या हालत थी, पहला हिसाब को उनको देना पड़ेगा। मेरा कहना है कि पहले हम हिसाब मांगेंगे उनके 10 साल का। कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, उनका हिसाब तो जाके ले लें। पंजाब को जो डुबोया वो कांग्रेस सरकार ने डुबोया, बचा खुचा आम आदमी पार्टी डुबो रही है। मेरा कहना है कि पहले हम हिसाब मांगेंगे उनके 10 साल का। अगर उन्होंने 10 साल में जो किया और देश को किस गलत में उस समय डुबोया, देश निराशा अवसाद, इसमें प्रदेश जो है निराशा और अवसाद के अंदर फैला डूबा हुआ था और उस समय जनता ने उनको जब नकारा था, क्या हालत थी, पहला हिसाब को उनको देना पड़ेगा। और दूसरा, हमने साथ साथ अपना हिसाब दिया है। जब भी उन्होंने कहा, साथ साथ हमने कहा है कि हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है और कितने बढ़िया ढंग से हम उसको चला करके लाए हैं। अगर उनको इस प्रकार का हिसाब लेना है तो जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनका हिसाब तो जाके ले लें। पास में पड़ोस में कांग्रेस राज्य करती रही पंजाब के अंदर। पंजाब को जो डुबोया वो कांग्रेस सरकार ने डुबोया, बचा खुचा आम आदमी पार्टी डुबो रही है। इसी प्रकार से बाकी प्रदेशों में जितने वादे करके आए, एक एक चीज करके वो विड्रॉ कर रहे हैं और वापस बैकआउट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोक लुभावनी बातें कहकर जनता को बरमाना और जनता से वोट लेने का हथियार बनाना, ये उन्होंने लगातार बना के रखा है। हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है और इस नाते से हमको कोई हिसाब देना भी होगा तो जनता को दे रहे हैं और जनता उसका परिणाम देगी हमको अक्टूबर 2024 में, जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाएगी, ये हिसाब तब उनको पता लगेगा।